एसटी विभाग में ड्राइवर और कंडक्टर पदों पर नियुक्ति का वादा कर आदिवासी समाज के प्रशिक्षणार्थियों को एसटी विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया गया था। एसटी के मुंबई कार्यालय द्वारा उन्हें एसटी विभाग में नौकरी दिलाने का आश्वासन भी मिला था। इस आश्वासन को अब 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक इन आदिवासी युवा को नौकरी नहीं दी गयी। नतीश दिन 5 अगस्त से इन प्रशिक्षणार्थी और जिलाधिकारी कार्यालय यवतमाल के समक्ष बेमियादी अनशन शुरू कर दिया है। मालूम हो कि 7 साल पहले इन कुल 180 प्रशिक्षणार्थियों ने बकायदा तरीके से कंडक्टर और ड्राइवर पद की चयन प्रक्रिया को सफलता से पार किया था। उन्हें पांडरकवड़ा स्थित प्रशिक्षण केंद्र से चालक वाहक का प्रमाण पत्र भी दिया गया था, जिसके बाद एसटी महामंडल ने उनकी टेस्ट भी ली थी, लेकिन कथित वादे के अनुसार उन्हें 2014 से 2017 के बीच नौकरी प्रदान नहीं की गई। टेम्पररीच्या हिशोबाने काम करत होतं, त्याच्यानंतर प्रकल्प ऑफिसचे मला असा ड्रायव्हर प्रशिक्षणचे ट्रेनिंगसाठी कॉल लेटर वगैरे आले, त्याच्यासाठी मी 2018 सामान्यची ट्रेनिंग वगैरे करून परत आता 2018 म्हणजे 3 वर्ष असंच आम्हाला वेटिंग लिस्टच्या हिशोबाने 2-3 वेळा बोलवलं, 4-5 वेळा बोलवलं, अजूनपर्यंत आमचा काही निर्णय वगैरे झाला नाही। एमओ टेस्ट वगैरे झालं असून पण काहीच नाही झालं, जे अजून किती दिवस वाट बघायची लागेल, कारण आज आम्हाला 5 वर्ष झाले ट्रेनिंग करून, आज एकही असं आम्हाला म्हणजे लेटर नाही आला याच्यानं काही नाही। आज आमची अशी कंडिशन होऊ नये का, आज असे मुलं इथं का त्याच्यापाशी 100 रुपये बी नाही राहत, आज हे मुलं इथं येऊन राहील ना डी सी साहेब ना ते आत्राम बाबू ना कोणीच याच्यावर हे करून नाही राहिले। याच्यावर एकच इलाज आहे, प्रोजेक्ट ऑफिस बंद करा, आदिवासीवर अन्याय करू नका, याच्यानंतर जागा काढू नका आदिवासीच्या। आज आम्ही उपोषणार ही परिस्थिती आली आमच्यावर। आम्ही सर नोकरीच्या भरसावर आम्ही म्हणजे कसं सोयरी वगैरे पक्के झाले, आमचे लग्नाची वगैरे पक्के झाले, आम्ही एसटीमध्ये ड्रायव्हर म्हणून लागणार या अपेक्षेवर आहोत सर, पण समोरच्यांनी जर हे असं जर केलं आमच्यावर तर आमच्यावर लय दयनीय अवस्था येणार सर। त्यासाठी आम्ही आज इथे आमरण उपोषण करण्याचे ठरवले आहे। जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही समोरून काही आधी आमच्याविषयी ॲक्शन घेणार नाही लेखी स्वरूपात आम्हाला, तोपर्यंत आम्ही इथे उपोषण करण्याचे ठरवले आहे सर। इस अनदेखी के शिकार इन आदिवासी युवाओं ने पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी और एसटी महामंडल के मुंबई कार्यालय से आत्मदाह की अनुमति भी मांगी। हर तरह से प्रशासन का ध्यानाकर्षण किया, लेकिन किसी ने इन जायज मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब यवतमाल से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उतरकर इन युवाओं ने अपनी मांगे रखी है और बेमियादी अनशन के जरिए आखिरी सांस तक उक्त अनशन जारी रखने का मन बना लिया है। अब देखना होगा कि एसटी महामंडल और जिलाधिकारी द्वारा इन प्रदर्शनकारियों की मांगों की ओर अब आगे और क्या रुख अपनाया जाता है। बीसीएन न्यूज के लिए यवतमाल से जुबैर खान की रिपोर्ट।